ये यखनी आपने साइड पे रखी होती है, साथ में ये हम इसमें तरी ऐड करते हैं। सही सही। तो ये एक इस वक्त हमारा एक वो अच्छा अच्छा दाल है साथ में। हाँ जी, दाल चने की है ये? जी दाल चने की। ऐसे लग रहा है शोरबे की आबशार बनी हुई पूरी है ये भाई। देसी मुर्गा भट साहब ने यार ये तो नहीं पाया भट साहब ने। ओह माशाल्लाह, शोरबे के अंदर डुबकियाँ लगाया, गोते खाए थोड़ा नान और सीधा मुंह में जाके जब वो निचड़ के इस नान के जो अंदर से फुहारे निकलते हैं ना शोरबे के, सारे पैसे उसके हमारे। सामने ब्रांच रोड चल रहा है, उसमें रहमान गली नंबर 7 के अंदर आपने आना है, और जब आप आगे आएंगे तो आपके कॉर्नर के ऊपर ना आपको ये शेर मिलेगा, और इसके इस तरफ जो है आप जब जाएंगे तो इस तरफ गली के अंदर 2 देसी मुर्गे वाले, एक इस तरफ बैठा हुआ है और एक उस तरफ बैठा हुआ है। जो ये वाला है ये किटू भट साहब है, इनके पास चलते हैं। भट साहब ने यार ये तो नहीं पाया भट साहब ने। माशाल्लाह सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा यार ये जो है ना देसी मुर्गा है, इसमें कितना किलो गोश्त पकाया आपने? मुख्तलिफ होते हैं, मुर्गियां तो साफ से होता है। कितने मुर्गे पकाते हैं? 10-8। अच्छा 8-10 मुर्गे हैं और देसी है सारा? ठीक हो गया, ये देसी पट्ठा है, मेरा व्हाट्सएप देसी पट्ठा है सर, चाहे पट्ठा चाहे चट्ठा है बस आन दो। अच्छा खाली शोरबा भी मिलता है आपसे? जी खाली शोरबा जितने का मर्जी ले लो, इससे काम नहीं है। ज़बरदस्त, ये तो यखनी है, शोरबा तो नहीं लग रहा, वो देसी मुर्गे की यखनी है यार, समझ लें कि ये मिर्चों वाली क्या साइज है, मुझे ये समझ नहीं आई। मिर्चें बेहतरीन है। हाँ अच्छा ठीक हो गया। ये जनाब ये है थाई की बोटी, और ये सीने की बोटियाँ हैं, ये बाजू हैं, और ये थाई की बोटी, इसे चूल्हे की बोटी भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? नहीं वो क्या है, लकड़ी दालचीनी, एडी वी लकड़ी प्योर काम करे ना साला, उनके सही चीज पूरा नहीं दे। अच्छा ये देखो ये चेस्ट भी है, इसके अंदर लेग भी है, ठीक हो गया। और इसमें भी लेग रखे हुए हैं आपने? जो नरम हो जाते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, सही हो गया माशाल्लाह। कितने का प्याला ये? बहुत प्यारी तो जी, ये नान है, नान आप चेक करें, ये देखो स्पेशल तिलों वाला नान जो है ना, ये उन्होंने बादशाह ने हमारे लगवाया, हमने इनको कहा था नान छंड के लगवाने, नान जो है ना छंड के लगना चाहिए, क्योंकि जो नान होता है ना मदरा, लोग लगाते हैं मदरा नान। आप मदरा नान तो नहीं खाते? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर कभी लस्सी हो मलाई वाली तो फिर लगवा लेते हैं, अदरवाइज शोरबे का मदरा नान जो है ना अंदर से कच्चा रह जाता है, और उसमें वो ना असल में लोग कहते हैं कि नरम रह जाता है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है, मुझे पसंद नहीं है। उसमें एक नुकसान ये भी है कि आप थोड़ा खा के रह जाते हो, ये भी एक नुकसान है। तुम बटा एंगल तो सोच नहीं अच्छी, मतलब ज़्यादा खाना है बस। जी जी बिस्मिल्लाह जी। हाँ लो जी, जैसे ट्राई करते हैं, मैं जैसे देसी पहले ना सिंपल शोरबा ट्राई करता हूँ मैं, सिंपल शोरबा, क्योंकि ये जो है ना बढ़ता हुआ ये चक्कर होता है, ये इससे खस्ता नान जो है ना
शोरबे में डिप करके ना नान को नरम करो, शोरबा जजब हो इसके अंदर पूरी तरह से, तो मुँह में जाकर जब निचड़ता है ना अच्छे करके। अच्छी डिस्कवरी आपकी। सीने की बोटी है ना, ये सीने की बोटी ज़्यादा नरम होती है। यहाँ तो भूख बहुत लगी हुई है, यहाँ बहुत ही मज़ेदार है। मैं जो है ना लाइक ट्राई कर रहा हूँ। हुए हुए यार ये क्या चीज़ है, ये बता रहे थे कि ये पट्टा है। वाकई ये पट्टा है, पट्टा जवान होता है ना, पूरा मुर्गा नहीं होता और पूरा और चूजा भी नहीं होता, मतलब जवान जो जानवर होता है ना उसको पट्टा बोलते हैं, जवान मुर्गे को। ये लग रहा है कैसे मुर्गा है, बकरे का गोश्त लग रहा है, लाल रेड मीट लग रहा है। इसको डिप करते हैं, यार बहुत आंट कमाल। थक गया तो बता देना क्योंकि बटर हिलते नहीं होते, थक जाते हैं। नहीं अभी हमने वो भी तो खाना है ना, वो इसलिए कह रहा हूँ थक गया तो बता देना। फिर किनारे को ऐसे खोल लें, खोल के उसके ऐसे डोई बनाए, उसके अंदर माले की नीमत आएगा, इसके अंदर से शोरबा काट लो भाई। ये पूरी कटोरी बनेगी और ये बाटर ने मुर्गी नंगी काटी पड़ी। यार इसका वाकई सीना अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता लगी है भाई। आप एक फूडी, आप साकिब मुबीन के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ साथ में का। अच्छा, मैं नहीं क्या, मैं साकिब मुबीन पे बैठे हैं। अच्छा। ये मैंने ना पहली दफ़ा ट्राई किया, मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया, अभी मैं कहूँ मेरा फेवरेट है। मुझे किसी ने कहा था मेरी जो मेरे पास जो सजेशन आती है ना वो बहुत बड़ी ऑथेंटिक होती हैं, उनमें से एक सजेशन ये आई थी मेरे पास कि ये जो है ना टॉप क्लास का देसी मुर्गा है। ये जो अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब 400 रुपये में भी आपको मिल रहा है। ये बिल्कुल सामने है फज्जा सिरी पाए वाला ओरिजिनल वाला, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने जो रोड नीचे उतर रहा है ये सीधा आगे जा रहा है बादशाही मस्जिद की तरफ, फूड स्ट्रीट की तरफ, और आप उस साइड से आएंगे तो ताजमहल के सामने है, और अगर इस साइड से जाएंगे तो ये इस साइड पे है, ये इधर है फग्गू बट। थोड़ा आगे आ गए हैं, ये है ताजमहल और ये उसके अपोजिट ये बैठे हुए हैं पापा फग्गू बट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ओए होए, अच्छा ये पूरे ओ फैट ओ भाईजान, ये सुबह का नाश्ता इधर बन रहा है, बना हुआ नाश्ता ही सर्व होने लगा, वो चिकन आ रहा है। ऐसे लग रहा है शोरबे की, शोरबे की आबशार बनी हुई पूरी है ये भाई। ओह है देसी मुर्गा ये देखो, ये मुर्गी को गुसल दिया जा रहा है शोरबे के साथ। ओह खैर, ये शोरबे की आबशार है भाई पूरी। एक दफा आएगा, बार बार आएगा, ये लोर की पहचान है देसी, बाकी देसी मुर्गे वाले स्पेशल खोए मलाई वाले। खोए मलाई किधर है? ये दूध डालेगा ना इसमें, इसमें दूध भी डालेंगे, दूध भी डालेंगे बाबा जी। ये तो हैवी सीन हो रहे हैं, ये आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये दूध डाल रहे हैं इसके, ओके। ये दूध क्यों डालते हैं इसमें शोरबे में? ये दूध इसलिए डालते हैं कि ताकि जो मिर्च मसाला होता है ना, हां आपको जलन ना हो। अच्छा जलन ना हो, मतलब मिर्च मसाले को बैलेंस करने के लिए दूध डालते हैं इसमें, जैसे कि सही सही सही। देसी मुर्गे का शोरबा होता है आपके पास, और सिर्फ देसी मुर्गा? कितनी कितना पुराना सेटअप चल रहा है आपका? ये 50 साल पुराना। अच्छा ये वाले साहब फग्गू पाट इनका नाम था, ये नाम जरा चेक कराएं जरा। ओए होए होए, क्या बात है, फैमिली के बैठने की जगह है आपके पास? अंदर पार्क में बिठाते हैं? अच्छा अच्छा, जहाँ ताजमहल वाले बिठाते हैं। ये जी स्पेशल कोई प्लेट बना रहे हैं। ओए होए होए, ये कितने का प्याला बन रहा है? ओ खैर, ये हमारा स्पेशल प्याला है। अच्छा, एक आदमी आराम से खा सकता है, मुझे तो लग रहा ज़्यादा 2% काम से 2% के लिए ना ये ठीक हो गया।
यार ये स्पेशल प्याला है इनका और साथ में ये गरम नान। ओए दिल बनाया है नान का जी। और कब तक आप बैठे होते हैं, टाइमिंग क्या आपकी? सुबह 6 से 12 बजे तक। हमारे सामने प्याला आ गया देखो, ये देसी मुर्गे का प्याला, इसमें इन्होंने पूरी ये लेग की बॉडी के दो पीस करके रखे हुए हैं इन्होंने, ये थाई के पीस इन्होंने अलग ये कर दिए और ये लेग पीस अलग कर दिया। अब इसको ट्राई कर लेते हैं, ये नान चेक करो यार, फ्रेश नान है बिल्कुल, सामने तंदूर लगा हुआ है इसके ना, ये पीछे जो है ना ये खाने का पॉइंट है, और वो सामने देखो, वो सामने सखी जमान मोतियाँ वाला, वो सामने नान लग रहे हैं। तो ताज़े ताज़े नान जब साथ साथ आ रहे हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। इसकी पहली बाइट लेते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो है देसी मुर्गा नॉर्मल चलता है, मछली देसी मुर्गा पाए ये चीज़ें सर्दियों में चलती हैं, और ये गरम गरम शोरबा है, इसमें इसको नान को डिप करते हैं। आ जाओ और बाकी इसको डिप करते हैं शोरबे के अंदर, ये देख इसमें लाही वाला बरागा चला। यार इतना कमाल गला हुआ मुर्गा, इसका सारा जो फ्लेवर है ना वो शोरबे के अंदर है, मुर्गे का अपना फ्लेवर भी आ रहा है, देसी मुर्गा मज़ेदार मुर्गा है, अच्छा गला हुआ है, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बाइट है इसकी, लेकिन जो शोरबा है ना भाई वो ख़त्म। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, गरम गरम नान तंदूर से निकल गया, देसी मुर्गा पका हुआ है फ्रेश आपके सामने आया, गरम शोरबे के अंदर आप अपना नान डिप करें, नान थोड़ा शोरबे को जज़ब करेगा और फिर मुंह में जाकर जब आपके वो फ्लेवर देगा ना वो मज़ा आ रहा है मुझे इसमें। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं अलसेहत कॉर्नर, टेंपल रोड का ये एरिया है, यहाँ के जो पाए हैं लाहौर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पाए कंसिडर किए जाते हैं, हनीफे हनीफा सीरी पाए वाला मैंने अब तक ट्राई नहीं किए, फिर कभी आपको दिखाएंगे चला, लेकिन आज हम यहाँ पे ये लेके आया है उमर, ये मेरा लाहौर का लाहौर में रहते हुए जो फेवरेट तरीन सालन है वो ये है, और ये महंगा तरीन नाश्ता भी यही है। हाँ। गरीब आदमी खा के रह करो, चलो फिर रहने देना, चलने वापस नहीं खा लेना कोई, लेकिन वो खा रहा वाकिफ है हमारे तो हमें थोड़ी सी डिस्काउंट भी देंगे आपके नहीं होंगे, आपने आगे मांगना डिस्काउंट। अभी जो है ना इनसे ट्राई करते हैं, इसकी लोकेशन बड़ी सिंपल है, टेंपल रोड के ऊपर थाने के बिल्कुल सामने मौजूद है और बहुत फेमस पॉइंट है, पिन लोकेशन इसकी वैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र। मैं बहुत छोटा सा था तब से सुना आ रहा हूँ कि हनीफे के भाई लाहौर के सबसे अच्छे हैं, आज इतफाक़ ही हुआ कि मैं ये उमर के साथ आया हूँ और देसी मुर्गा खाने आया हूँ। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। देसी मुर्गा आपका कितने का प्याला जी? जो प्याला है वो है 700 रुपए का, लेग पीस वाला जो है वो 800 रुपए का है, और सिंगल प्लेट जो है वो 350 रुपए की है, उसमें एक बोटी होती है। अच्छा, जो लेग पीस वाला है उसमें दो बोटियाँ होती हैं? जो प्लेट लेग पीस वाली है उसमें एक लेग पीस और एक बोटी साथ में होती है। अच्छा अच्छा। जो सादा प्लेट है उसमें दो बोटी होती है, एक सीना और एक थाई, और हाथ में आप चाहे थाई लें या सीना लें वो 350 रुपए की एक बोटी है, और सिंगल लेग पीस वो 400 रुपए का। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये बोटी है ना सिंगल जी जी, ये बोटी है जी 350 रुपए की है। अच्छा ठीक है। ये थाई की है जी, आप इसमें सीना भी ले सकते हैं। अच्छा, सिंगल 350 का होगा, ठीक है। अगर आप इसमें सिर्फ लेग पीस लेते हैं हाँ जी, वो 450 रुपए में सिंगल एक बोटी, ठीक हो गया। और जो फुल प्लेट है, जो फुल प्लेट है 800 रुपए की, वो 800 रुपए की मिलेगी, उसमें थाई लेग पीस वाली जिसमें एक लेग होगा साथ में सीना होगा या थाई होगी। अच्छा आपके बारे में एक चीज़ है कि आपका खाना जो है बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप टाइम बता सकते हैं सुबह कितने बजे शुरू करते हैं, कब खत्म करते हैं? भाई हमारा जो टाइमिंग है ना हमारे रेस्टोरेंट की, वो गर्मी हो या सर्दी हो वो फजर की अजान के वक्त है। अच्छा, गर्मियों में 3:30 बजे भी अजान होती है, सर्दियों में 5:30 बजे भी होती है, इसी हिसाब से हमारा वो सारा शेड्यूल चलता है, और ख़त्म होने का टाइमिंग का नहीं पता, अंदाजन कितनी देर में ख़त्म? ऑलमोस्ट वैसे सबसे ज़्यादा हमारा यही होता है 11:30 बजे तक। अच्छा, लास्ट टाइम होता है। अच्छा, कभी 9 बजे भी फारिग हो जाते हैं, कभी 10 बजे भी हो जाते हैं। ये सिर्फ देसी मुर्गे की बात हो रही है? ये देसी मुर्ग भी और पाए की पाए की भी बात हो रही है पूरे आपको। ठीक है, ठीक है।
अच्छा ये आपने पीछे हांडियाँ रखी हुई हैं, हांडी का क्या सिस्टम है? जी हांडियाँ पैकिंग के लिए हैं, जिन लोगों ने घर से, अब ज्यादातर लोग नहीं लेके आते, ठीक है, पैकिंग वगैरह शॉपर बैग वगैरह में करवाते हैं, ठीक है, तो बैग के अंदर खाने का टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम लोग शॉपर में पैक नहीं करते? जी हम करते हैं, मजबूरी है करते हैं, लेकिन जिसने क्वांटिटी में ज्यादा लेना होता है उसको भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप हांडियों में लें। हांडी की प्राइस ऐड? हाँ जी हांडी की प्राइस बिल्कुल ऐड होती है, लेकिन अब एक बंदे ने अगर 5-6 हज़ार रुपये का खाना लेना है तो 300-400 रुपये की हांडी कोई मायने नहीं रखती। सही 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 सही। ये यखनी आपने साइड पे रखी होती है? जी हम शोरबा ही रखा होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। और साथ में हम थोड़ी सी ये दाल ऐड करते हैं। अच्छा साथ में ये हम इसमें तरी ऐड करते हैं। सही सही। तो ये एक इस वक्त हमारा एक वो अच्छा ये अच्छा दाल है साथ में। हाँ जी दाल चने की है? जी दाल चने की। हाँ जी तरकारी बोटी यार एक बात कंफर्म है, यहाँ भाई टेस्ट कमाल होगा क्योंकि इन्होंने स्पेशल चने की दाल उसके अंदर डाली हुई है। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ कि ये वाकई बेस्ट होगा। हेलो देख के पता लग गया था, मैं आंखें अल्लाह ने आंखें ऐसी दी हैं मुझे, ये दो एक्स्ट्रा हैं लेकिन फिर भी ऐसी आंखें कि मैं देख के खाना पता लग गया था कि कैसा होगा। ये डेफिनेटली बेहतर है। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि जिस दुकान पर रश होता है ना, रश जो है ना वो बिला वजह नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन कभी कभी एवं भी होता है। हाँ कुछ सिटीज़ में मैं गया हूँ ना, तो एक जगह पे मैं गया वहाँ पे इतना रश लगा हुआ, उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन हमारे ये है नाश्ते का पॉइंट, मैं गया तो फीके सी पैन कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरा मानना है कि लाहौरियों को अच्छा नाश्ता कराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। यस ऐसा ही है। तो चलें फिर क्योंकि दोबारा भूख लग गई है। चलो चलो ये नान अच्छी क्वालिटी के नान है माशाल्लाह। और ये जो है ना यार ये माशाल्लाह ने ये थाई की चेस की बोटी आ गई है और ये थाई की बोटी है, पता नहीं समझ नहीं आ रही उन्होंने स्पेशल किस्म की बोटी है। एक सबसे जो मज़े की चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है ना वो ये लगी कि भाई ये चने की दाल भी उन्होंने डाली है। चने की दाल डालने के वजह से ना टेक्सचर इसका थोड़ा सा सालन का भी टेक्सचर डिफरेंट होगा और इसका फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट होगा। बाकी मैं देखने से पहले बता देता हूँ कि बट जीत गया है इससे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा आप मेरा एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैं हाँ मैं आपका फीडबैक भी लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये पहले लुक में तक है, उसके बाद मैं तनख्वाह नहीं देना। आप बट तो नहीं है? मैं बट हूँ। अच्छा लो जी इसकी पहली बाइट ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। यार ये सख्त है बड़ा। ये जैन देसी मुर्गा है जो ये खुद पालते हैं, आपको पता है इनके मुर्गे ये खुद पालते हैं, इनकी कटिंग भी खुद करते हैं। खुद डिप करते हैं शोरबे के अंदर। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकात। ओह मैंने कहा था ये मेरा फेवरेट ट्रीम सालन है लाहौर में रहते हुए। सही कहा था? सही कहा था। जो शोरबा है सोया शोरबा बहुत कमाल का। अब मैं बताता हूँ इसके शोरबे के क्या चक्कर है। मैंने इनकी मेकिंग देखी हुई है, ये जब एक बड़े पतीले में इसका सारा सेटअप करते हैं ना, एक बात नीचे ये कोई कोरमे का चक्कर है इसके अंदर थोड़ा। नहीं नहीं इसके अंदर ये रखते हैं चार भोंगे। मिलावट करते हैं ये? चार भोंगे रखते हैं नीचे बेस में और जब वो ये पक जाता है ना सिर्फ हड्डी रह जाती है भोंग की और शोरबा आपको इसलिए इतना गाढ़ा लग रहा है। ये इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मिलावट करते हैं भाई। हाँ लेकिन शोरबा देख रहे हैं आप कैसा। ये देसी मुर्गे का शोरबा एक्चुअल नहीं है ये, मतलब इसमें गाढ़ा शोरबा बहुत ज़्यादा। हाँ ये खुशबू भी नाक में जाती है साथ ही। टेक इट इन अरोमा। नहीं भाई बिस्मिल्लाह। मैं समझाता हूँ ये खुशबू कहाँ से आती है आपको। यार इसमें सबसे मज़े की जो बात है ना वो ये है कि इसके अंदर जो है ना उन्होंने चने की दाल डाली है, उसकी वजह से एक अलग सी फील आती है इसकी। और दूसरी बात जो भट्ट साहब ने बताई है कि इन्होंने इसके अंदर बोंग का शोरबा किया, मतलब बोंग को पकाया हुआ, बोंग को पकाने की वजह से ना बोंग के अंदर पकाने की वजह से ठीक हो गया हुआ। बिल्कुल थोड़ा सा शोरबा देते हैं साथ, एक चम्मच मतलब एक या डेढ़ चम्मच मुश्किल से डालते हैं, वो भी पूरा नहीं डालते। और वजह यही है कि शोरबा गाढ़ा बहुत है, घी के अंदर थोड़ी सी मिर्ची है और खासा स्पाइसी स्पाइसी आपको फील होता है, लेकिन गोश्त जो है वो थोड़ा सख्त है क्योंकि चेस की रोटी है थोड़ी सी सख्त है, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट देसी मुर्गा शोरबा। देसी मुर्गे का सालन जो है ना जो सुबह नाश्ते में आप कहते हो
मेरे हिसाब से लाइट शोरबा नहीं है ये, थोड़ा सा हैवी शोरबा है। आप खा के ना आपको अच्छा पता लगेगा कुछ अंदर गया है, और उस हिसाब से ना फ्लेवर के हिसाब से, फ्लेवर वाइज मैं ये कहता हूँ कि ये वाकई बेहतरीन शोरबा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। साहब ने ये कह दिया है तो मैं इसको एक सनद समझता हूँ। क्या समझ गया? सनद लो का जो आपके पास साइन कर दूँ आपको। किनारा ये मैंने तो तोड़ो इसको, खोलो इसको। वाह जी वाह, ओपन इट। इंग्लिश नहीं बोल, थोड़ी सी बोटी थोड़े साइड से। ये बोटी को साइड पे करो, दरमियान से पूरा उठा के साइड पे लाओ शोरबा, और दो तीन दफ़ा, दो तीन दफ़ा और दरा, और कुलचा नरम हो जाएगा। हाँ देव, इसमें दाल भी आनी चाहिए। हूँ इन लाओ रहा मुँह चुह, में फुहारे छूटेगा ना जब जाके डूबे हुए नान के साथ, फिर आपको मज़ा आएगा। आपने ना ये गीली करवा दी थी सारी यार। एक बात कन्फर्म है भट्ट साहब जी, यार ये बहुत कमाल का सालन है। हाँ बहुत कमाल का सालन है। डन हो गया कि लाहौर का देसी मुर्गे के अंदर अगर सालन अच्छा है तो ये वाला ही है। बाकी शोरबा होता है वो शोरबे में कंसिडर, उसको देसी मुर्गा शोरबा कर सकते हैं, लेकिन ये देसी मुर्गा सालन है। सालन है, सालन के अंदर बहुत कमाल किया। ये सामने है जी ब्रांथ रोड, ब्रांथ रोड से जब आएंगे रहमान नंबर दो के अंदर इधर को आपके लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे सेटअप आएगा इनका। ये सुबह के टाइम मौजूद होते हैं, शाम के टाइम शायद ये या दोपहर को नहीं मौजूद होंगे। इसकी कोल्ड लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वलीमा हाउस है, बहुत फेमस पॉइंट है ये वलीमा हाउस। यहाँ पर बहुत खाने मिलते हैं तरह तरह के, उससे थोड़ा सा पहले ये पॉइंट है जब इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी आपका? आबिद भट्ट। आबिद भट्ट साहब, अच्छा आप कीटू भट्ट साहब के रिश्तेदार हैं? चाचा जी हैं वो, आपके चाचा जी हैं। ठीक हो गया, आपके पास वही सेम चीज़ होती है जो पाए और मगज वगैरह? ठीक हो गया। आज आज बुध है तो इससे देसी मुर्गा जी। ठीक हो गया। अच्छा ये पहले काट के रख रहे साइड पे। तो क्या कितने की प्लेट है? 400 रुपये। पहले कितने की थी? पहले 350। अच्छा ये महंगाई की वैसे हुआ? आज ही हुआ। आज ही हुआ, मैं कल आ जाता। हाँ जी वो बस आजकल ज़रा महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो गई ना, इस वजह से रेट चेंज हो गए। अच्छा एक और बात यह है कि ये जो एरिया है ना, इसको पहले राम गली कहते थे। ये सारी राम गलियाँ, बहुत सारी यहाँ पे गलियाँ बनी हुई, राम गली से पहले बोलते थे, इसका नाम चेंज करके रहमान गली कर दिया हुआ है। पुराने एरियाज़ में से एक है, क्योंकि अंदरून के बाद जो सोसाइटीज़ बनी हुई थी उनमें से एक सोसाइटी ये भी, तो ये एरिया उस वक्त का इस्टेब्लिश हुआ है। ग्वाल मंडी की बैक साइड लगती है इसको, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, कितना पुराना सेटअप आपका ये वाला? तकरीबन 45 साल हो गए। आपको भी 45 साल हो गए? वाले साहब लगा रहे थे पहले। अच्छा आपके वाले साहब लगाते थे पहले? ठीक, फोन होने के बाद ना फिर शुरू हो गया, फिर दोबारा शुरू हो गया। अच्छा सही सही, पुरानी दुकान यही है। अच्छा पुराना अड्डा यही है, वाले साहब ने शुरू किया था ये। सही सही, पर सालाना पर कितना आना हमें खाना? जी जी जी। कब से कब तक चलता है, सुबह कब खोलते हैं? आज का 5:30 बजे शुरू होता है सुबह। आज का सुबह? अच्छा शुरू हो जाता है। अच्छा 10:30, 10:30, 11:30। ये दुकानें वगैरह कितने बजे खुलती हैं? कोई 10:30 आता है, कोई 11:00 बजे आता है। जब तक दुकानें खुलती हैं उससे पहले पहले आप ख़त्म कर देते हैं। अच्छा 200 ले। जी ये है देसी मुर्गा। ये मुर्गा कौन सा वाला है? देसी मतलब प्योर देसी, गोल्डन लेयर वगैरह चक्कर तो नहीं है ना? अच्छा ये जो आप बता रहे हैं 400 रुपये की प्लेट है, उसमें कौन सी बोटी डालते हैं? लेग पीस या सीना, दोनों में से एक। ये या ये, जो भी आपको पसंद। ठीक है ठीक है यार, इसमें से पतीले में से खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है। अच्छा गोश्त आपने साइड में रखा तो सारा? ये सारा गला हुआ। अच्छा गला हुआ है, इसमें बीच में रह गया ना तो टूट जाएगा, टूट जाएगा सारा, तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसमें इस बार ही निकाल लेते हैं, जब देनी होना तो अंदर रखते हैं, गर्म हो जाती है तो डाल देते हैं। बेहतरीन। अच्छा ये मैं आपसे पूछा था, ये रंग जो है ये हालांकि एक ही मुर्गी के पीस है, लेकिन ये लाल रंग का है और ये थोड़ा कम लाल है। वलैती और वाले का फर्क, देसी और वलैती में फर्क है, यही फर्क है।
क्या जो लेग पीस होता है ये सीने की चूल्हे की बॉडी ये जरा हार्ड होती है। अच्छा टाइम लगता है। अच्छा और जो सीने की बॉडी जरा नरम होती है देसी में। देसी में अच्छा लेती में तो आप दोनों इकट्ठे डाल दो। हाँ हो जाते ये नहीं होता ये अलग अलग पकते हैं। हाँ, नहीं पकते इकट्ठे ही हैं लेकिन अच्छा टाइम देर बाद में डालते हैं सीने की बाद में डालते हैं बाद में डाल। अच्छा पहले वो लेग पीस चूल्हे की बॉडी ये बाद में डाल देते हैं उनको टाइम पे रख देते हैं वो पकता रहता है। अच्छा 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 ये जो पतीला है ना इसमें से इतनी कमाल खुशबू आ रही है ना मतलब सही अगर गरम ये वो वाला सीन है कि इस टाइम गरम गरम नान हो फुल। अच्छा नान में फ्रेश मिलेगा ना गरम तंदूर से निकलता हुआ नान निकलता नहीं वो आएगा तो आपसे निकलता तंदूर जरा दूर है ना हमसे। अच्छा ये भी बताओ दाएं दाएं दुकान इधर होती थी सामने वाले तंदूर। अच्छा अब दुकान करोड़ों की हो गई है वो पीछे चल गए। अच्छा दुकान ओ हो ये सब हो गया यानी महंगाई ने सही कमर तोड़ी हुई है वहां की अच्छी भली तोड़ी हुई है। बहरहाल यार ये वो सीन है कि इस तरह का ना मतलब फुल गरम तपता हुआ नान आए करारा करारा खस्ता नान शोरबे के अंदर डुबकियाँ लगाया गोते खाए थोड़ा नान और सीधा मुंह में जाके जब वो निचड़ के यार बड़ा माहौल चल रहा है। यार यहाँ पे जो माहौल चल रहा है ना दिस इज प्योर लाहौर मतलब यहाँ पे ऐसा होता था मतलब हमारे बड़ों में भी ऐसा होता था कि कुछ लोगों ने ना अपनी दुकानें तय की होती थी हमने यहाँ से नाश्ता करना है और इस दिन यहाँ से नाश्ता होना है इस दिन यहाँ से नाश्ता होना है और दुकानदार को भी पता होता था कि हमारे पास इस दिन ये ग्राहक आएगा तो वो उनका सौदा वगैरह बना के मतलब साइड पर करके रख लेते थे। तो यहाँ पर वही इस तरह का सीन चल रहा है कि पुराने कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं और मतलब दुकानदार भी उनको पहचानते हैं और वो भी मतलब बूढ़ सही बातें लग रही हैं भैया मेरा प्लेट मेरी प्लेट तैयार कर दें। तो ये मतलब कल्चर है लाहौर का दिस इज़ टिपिकली एंड प्योर लाहौरी। ये ताजे ताजे नान आ गए अच्छा यहाँ पे चेस्ट ज़्यादा चलती सीना ज़्यादा चलता है यहाँ पे लोग खाते हैं अपनी अपनी पसंद है ये वैसे की वैसे ही पड़ी जब से मैं आया। सलाना फट ठीक हो गया लो जी ये हमारे सामने आ गया देसी मुर्गा गरम गरम और ये फ्रेश नान 400 रुपए की प्लेट है पूरा प्याला ये प्याले का साइज़ चेक करो ये वैसे आप इनसे सालन जो है ना 150 का भी ले सकते हैं उसमें इसकी पीस छोटे छोटे बोटियाँ बना के वो दे देते हैं लेकिन अगर आपने पूरा पीस खाना है आप पूरा पीस भी ले सकते हो 400 रुपए की प्लेट है उसकी। अब इसको ट्राई करते हैं यार ये नान जरा मज़े का लग रहा है मुझे ये देखो इसका मज़ा ही तो आएगा जब इस नान की जो है ना हम ऐसे अच्छी तरह इसको डुबोगे ना इसको गोते देंगे शोरबे के अंदर और डुबकियाँ लगाएंगे इसकी और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मुझे यहाँ से जो है ना थोड़ी सी हम लेते हैं बोटी ये आ गई थोड़ी सी बोटी ओके रखी मुझे ये थोड़ी सी आ गई बोटी और इस नान इस बोटी को जो है हम शोरबे के अंदर लगाएंगे गोते इसके बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा लाइट सा फ्लेवर है इसका और फिर जो काली मिर्च डाली ना बड़ी कमाल का बड़ा बहुत कमाल टेस्ट है इसका। सबसे मज़े की बात है ना जो चेस का पीस है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन ये इंतहाई नरम है उनको चबाने का भी मज़ा आ रहा है और शोरबा जो है ना शोरबा बड़ा कमाल है इसका देखो ये जो शोरबा है ना यार ये शोरबा अरे बहुत कमाल है ये ना पूरा नान ऐसे लेके ना इसमें अच्छी तरह अच्छी इसमें जब होते हैं ये नान ये जब ये नान नरम हो जाता है ना तो सारा शोरबा जो है ना जज़ब कर लेता है जो जज़ब करता है ना मुझे मुँह में जाकर जब आपके ये आप सोच चबाते हैं तो इस नान के जो अंदर से फुहारे निकलते हैं ना शोरबे के सारे पैसे उसके हैं भाई बहुत ज़्यादा शोरबे के साथ नान खा के ना शोरबे के साथ नाश्ता करने का अपना ही मज़ा है। हलवा पूड़ी खा लें नान चने खा लें पाए भी खा लें लेकिन देसी मुर्गे का शोरबा है ना यार ये कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। जो लोग मटन नहीं खाते या बीफ नहीं खाते वो भी ये खा सकते हैं लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सिर्फ मंगल और बुध को मिलता है जब मटन की छुट्टी होती है हमारे मुल्क में तो तभी ये मिलता है। यार इसकी कोई ऑप्टिमम बाइट नहीं है क्योंकि खुद ही एक ऑप्टिमम चीज़ है इसमें दो ही चीज़ें हैं सारी ये
अच्छा यार, मैं यहाँ पे इस टाइम खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको ये रेस्ट नज़र आ रहा है, लोग खाना खा रहे हैं इस टाइम बैठे हुए। ये जो एरिया है ये ब्रांथ रोड का एरिया है, सारी पूरी मार्केट है पीछे, ये पीछे इधर भी मार्केट है। ये जो गलियाँ हैं यहाँ पे जाली, लोहे की जो जाली है वो चीज़ें मिलती है यहाँ पे। इस बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो लेबर तबका है, जो मजदूर तबका है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और मजदूर तबके का यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 450 या 400 रुपये का पहला पूरा लें, वो 100 रुपये का या 150 रुपये का सारा डलवाते हैं। उसमें जो उन्होंने छोटी छोटी बोटियाँ करके रखी होती हैं, वो बोटियाँ डाल के उनको देते हैं। उसमें ये होता है कि उनको बोटी भी मिल जाती है और उनको सालन भी मिल जाता है। तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा खाना खाने वाले हैं। ये जी निस्बत रोड का एरिया, सीधा चले जाएंगे तो आगे लक्ष्मी चौक आ जाएगा। ये सामने कैमरा मार्केट है, कैमरा मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, फूड स्ट्रीट की एंट्रेंस से पहले राइट साइड पे, ये नीचे, ये इसे यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे बैठ के देसी मुर्गा सेल कर रहे हैं। चूँकि ये ज़मीन पे बैठ के सेल करते हैं इसलिए इसको कुछ लोग फर्शी मुर्गा भी कहते हैं, लेकिन अभी इनके पास चलते हैं। भाई इधर तो बहुत रश लगा हुआ, समझ नहीं आ रही किधर जाना। ये जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो? माशाल्लाह, बड़े मसरूफ लग रहे हो तुसी। मेहरबानी सर, मेहरबानी तुहाडी। दोस्तो अच्छा जी, ये गिरा कीता किने का प्याला है, किस तरह दे रहे हो? सर ये प्याला होता है 150 से शुरू होता है, 150 से तीन आगे जितनी मर्जी हो लेने। अच्छा माशाल्लाह, आप शाम को शुरू करते हैं? हाँ जी, मगरब के बाद शुरू करते हैं। मगरब के बाद, और रात कब तक चलता है? माशाल्लाह 4 घंटे फुल लगते हैं। 4 घंटे में खत्म हो जाता है? माशाल्लाह यार, उन्हें शोरा नहीं पाया किता सी। अच्छा 150 वाला जो प्याला होता है उसमें सिंगल बोटी होती है? हाँ नॉर्मल, छोटी सी को बोटी डाल देते हैं। ठीक है, आपका नाम मैंने पूछा ही नहीं। नाम ये कासिम, कासिम देसी मुर्ग। आपका नाम कासिम है? नहीं, मेरे वाले साहब का नाम। अच्छा, आपके वाले साहब का नाम, ये उनके नाम से चल रही है। उन्होंने शुरू शुरू उन्होंने किया था, कब शुरू किया था? ये किया था 58 में, 1958 में। तब से आप यहीं मिलवा रहे हैं? हाँ जी। किसी ने बगैर बोटी के शोरबा लेना हो तो दे देते हैं आप? 100 का वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला भाई इधर ही होते हैं यार। अच्छा, कोई आके बताएगा ना, वीडियो देख के आए तो जल्दी दे देना। ठीक, ये जो है ना यहाँ पे मेरे सामने सेटअप चल रहा है और ये माशाल्लाह इतना स्पीड से चल रहा है, और ये बता रहे हैं कि 4 घंटे में ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो अभी इससे पहले कि ख़त्म हो जाए हम बैठ के इसको ट्राई कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा मुझे यहाँ मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। आप भी मेरे ब्लॉग देखते हो? जी जी। देसी मुर्गा भी खाते हो? शाबाश, गुड। देसी खुराकें खा लीजिए भाई, सर्दी है, सर्दी में ये चीज़ें चलती हैं। सर्दियों में ना लाहौर की फूड सीन जो है ना वो थोड़ा टोटली डिफरेंट हो जाता है। हरीसा, पाए, मगज़ खाते ज़बान, और जो है ना देसी मुर्गा, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा वजन, आप भी यहाँ पे खाना खाने आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा है? मैं तो पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, और सबसे अहम चीज़ यहाँ की है कि इनका जायका जो है ना वो बिल्कुल प्योर देसी स्टाइल में है।
देसी मुर्गे जैसा है? देसी मुर्गे जैसा तो है ही है। अच्छा, है ही देसी मुर्गा ये। अच्छा, लेकिन इसमें जो इसका जायका है ना वो ऐसे जैसे हम किसी गांव में जैसे बनता है। देसी जायका है, मतलब जो वाइटी जायका जैसा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उस तरह का जायका। ठीक है, और बहुत कम शहर में मिलता है ये, वो मेरे ख्याल से इनके अलावा कहीं से नहीं मिलता। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा यार यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, अगर आपने यहाँ पे बैठ के खाना है ना तो बैठ के खाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप यहाँ पे पैक करवा लेंगे, इसलिए मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ना पैकिंग वाले लोग ज़्यादा हैं, बैठ के खाने वाले कम है, क्योंकि यहाँ पे बैठने का सिस्टम भी प्रॉपर है नहीं। ये एक टेबल ये लगा हुआ है, एक टेबल पीछे लगा हुआ है, दो तीन टेबल यहाँ पे लगे हुए हैं बस, और टोटल यही जगह है। जब तक आपके पास बैठ के आपको सीट नहीं मिल जाती तब तक आप प्याला भी ना मंगवाएं, तो पैक करा के घर ले जाएँ। और आप कोशिश ये करें कि शॉपिंग बैग में पैक मत करवाएँ, अपना बर्तन घर से लेके आएँ उसमें पैक करवा के लेके जाएँ, ताकि शॉपर में थोड़ा सा खाना ज़ाया भी हो जाता है। एक तो खाना गर्म रहेगा, सारे का सारा मिलेगा आपको, और थोड़ा साफ़ सुथरा भी काम हो जाएगा। अब्दुल्ला आप कहाँ के रहने वाले? नहीं है कहाँ के हैं? गिलगित। अच्छा, बल्तिस्तान से? गिलगित सिटी से। यहाँ पे क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। माशाल्लाह, क्या पढ़े? सियासत पढ़ रहे हैं, सियासियात पढ़ रहे हैं। आप इमरान खान तो नहीं बन जाएंगे बड़े होकर? नहीं, इमरान खान से भी आगे जाना है। अच्छा, अल्लाह आपको लेके जाए। ओ अब्दुल्ला दे दे यार। जो जी हमारे सामने आ गए बड़े तरलों के बाद, बड़ी मिनटों के बाद, बहुत देर से हमारे सामने आए। ये नान जो है ना कम्बल वाले नान है, नरम नान है। अच्छा, मुझे देख के ना, इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि इसको ना खाली ये पीने वाली चीज़ है, ये नान के साथ डुबो के खाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि नान साथ है इसको ट्राई कर लेते हैं। ये आप बूटी चेक करो पहले, ये देखो। ओए ओए, देसी मुर्गा ये, इसको थोड़ा सा डिप करते हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतुह। ओए ओए यार, चिकन है ना वो बहुत कमाल का टेंडर है यार, ये चेक करो उसे। ये मीट भी रेड है, ये ओरिजिनल देसी मुर्गा है। इसका जो फ्लेवर है ना, वो जो भाई यहाँ पे खड़े होकर कह रहे थे ना कि ट्रेडिशनल फूड है, ये ट्रेडिशनल फ्लेवर इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें मसाले बिल्कुल कम है, हल्के से मसाले हैं, और देसी मुर्गे की यखनी वाला फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। और वो बात भी ठीक है कि इसको नान के साथ नहीं खाना चाहिए भाई, इसको ऐसे ही, लेकिन चूँकि नान है इसलिए हम नान से डबो डबो के इसको खाएँगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है इसके ना, नान की डोइयाँ बनाएँ, डोइयाँ ये डोइयाँ बना बना के ऐसे भरें इसको, ये भर भर के ऐसे। बहुत ठंड है यार। ये भाई यहाँ पे बैठे हुए ऐसे रैंडम, जानता नहीं इनको। ये नान का किनारा ऐसे लेके ना इसको थोड़े गोते देना, थोड़ी देर तक दबाते रहे, दबोते रहे, दबोते रहे, दबोते रहे, अच्छी तरह ये जिसम कर लेगा। जब आप इसको मुंह में रखेंगे ना ऐसे फटेगा ना मुंह में जाकर, मज़ा आएगा आपको। ये फुहारे छुटते अंदर जाके भाई, ये चीज़ ये देखो ऐसे इसको बट डबोते जाए इसको, ये पूरा निचड़ जाएगा शोरबे के साथ। बहुत आला है यार, हल्का सा स्पाइसी है, हल्के से मसाले हैं इसमें, सूखा धनिया ज़ीरा जो भी इन्होंने डाला हुआ, लेकिन जो यखनी का फ्लेवर है ना बहुत आला है। अच्छा यार, ये हसन भाई हैं, ये तो माशाल्लाह यहाँ पे खा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं यहाँ पे, और इनके साथ बैठ के बात करने का बड़ा मज़ा आया। तो बाकी यार शोरबा बहुत कमाल का भाई यार, अगर मेरे हिसाब से ना इस मतलब लाहौर के बारे में तो बेस्ट शोरबा कंसिडर कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है कि आपको नाश्ते का टाइम नहीं मिलेगा, आपको रात का टाइम मिलेगा। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है। इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जाता हूँ, और बहुत सा ऐसा कॉन्टेंट जो यूट्यूब पर नहीं आता वो इंस्टाग्राम पर आता है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर देना ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।